नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह का निधन हो गया। आपको बता दें, कई महीनों से वो अपने खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे थे और लखनऊ के अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया था। देर शाम खबर सामने आई कि उन्होंने 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। बीजेपी के नेता लगातार अस्पताल पहुंच रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनका हालचाल जान रहे थे। अब उनके निधन की खबर मिलने के बाद लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं और उन्हें याद किया जा रहा है। कल्याण सिंह का जिक्र जब भी आएगा तब वो दौर याद किया जाएगा जब एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और राम मंदिर के लिए उनकी कुर्सी तक चली गई थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। दरअसल कल्याण सिंह ने प्रखर हिंदुवादी नेता के तौर पर उस समय अपनी राजनीति की शुरुआत की थी जब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर वो विधायक और यूपी के मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उनकी हिंदुवादी नेता की छवि को धूमिल किया, राजनीति में उनकी असमय ढलान का कारण भी बनी। आपको बता दें कि अलीगढ़ जिले की अथरौली तहसील के मढ़ौली गांव में 5 जनवरी 1935 को उनका जन्म हुआ था। उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अध्यापक की उन्होंने नौकरी भी की और साथ ही साथ राजनीति का सफर भी उनका जारी रहा। 1967 में जनसंघ के टिकट पर अथरौली सीट से वो पहली बार विधानसभा पहुंची और 1980 तक लगातार इस सीट से वो जीतते रहे। इस बीच जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और साल 1977 में उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया। आपको बता दें कि साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल उनकी हिंदुवादी एक छवि रही है और साथ ही साथ उन्हें याद किया जाएगा एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जो कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लड़ी गई थी। 90 के दशक की शुरुआत में राजनीति का जो दौर था उसे मंडल और कमंडल यानी कि आरक्षण और राम मंदिर आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। देश भर में एक और मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन और विरोध चल रहा था तो दूसरी ओर अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव के यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई। बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह ने महज एक साल में बीजेपी को उस स्थिति में ला दिया कि पार्टी ने 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने के लिए शपथ भी ली थी। यानी कि एक अच्छा अनुभव कल्याण सिंह का रहा है, इतिहास के पन्नों में हमेशा से उनके इस योगदान को पढ़ा जाता रहेगा। आगे आने वाली जनरेशन जरूर पढ़ेगी और सीख जरूर मिलेगी। आपका क्या कुछ कहना है कल्याण सिंह के इस पूरे सफर को लेकर, राजनीतिक सफर को लेकर? किस तरह से आप कल्याण सिंह के राजनीति में दिए गए योगदान को याद करते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।